हम यहाँ आए हुए हैं कष्टहरणी घाट। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए गंगा के किनारे कष्टहरणी घाट है। ये घाट का नज़ारा आप देख लीजिए, यहाँ पे से यहाँ से दूर दूर लोग यहाँ आते हैं इस घाट का स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पे मंदिर भी है। ठीक है, कष्टहरणी घाट इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं यहाँ पे गंगा में जल समाधि लेते हैं तो उससे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कष्टहरणी घाट से नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे मंदिर है और मंदिर में भी आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ये घाट का नज़ारा आपको पहले हम दिखा देते हैं वीडियो में, गंगा नदी का। धूप काफ़ी तेज है दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पे नहा रहे हैं। और ये पानी का कटाव देखिए आप, यहाँ पे किस तरह से कटाव है, जान पे जोखिम पे डाल के लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, ये देख लीजिए। और ये नज़ारा पूरा आपको दिखा देते हैं पूरे गंगा के किनारे का। रस्सी से बंधा हुआ है, पहले यहाँ पे अभी तो बरसात का पानी और बाढ़ का पानी इतना आ गया था, इसी कारण ये सब पूरे यहाँ पे पानी आ गई है। अंदीना में ना यहाँ पे जब बाढ़ के टाइम नहीं रहेगा तो जो पूरे यहाँ पे सीढ़ी जो था, जो पूरे यहाँ पे सीढ़ी आपको दिखाई देगा जो नीचे आप आसानी से जा सकते थे, अभी तो ये पूरे यहाँ पे पानी आ गया है, जो सीढ़ी बंद हो गया है पूरा। अब ये देख लीजिए, आपको वहाँ पे मुंगेर का ब्रिज जो नया बन रहा है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ख़ास बात है कि शाम के वक्त जब आप यहाँ पे आइएगा तो डॉल्फिन आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कष्टहरणी घाट का यही एक खासियत है। और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह का कटाव आपको लग रहा है पानी का। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है गंगा घाट स्वच्छता अभियान गंगा समग्र इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे आए तो साफ़ सुथरा पे ध्यान दे, सफाई अभियान करे, ज़्यादा गंदगी ना फैलावे। और ये देख लीजिए आप देख रहे हैं ना, काफ़ी यहाँ एक बज रहा है, जो काफ़ी यहाँ पे धूप है और पूरे बदन गर्मी से पूरे चिलमिलाहट हो रही है, इसके कारण मैं आपको सही से नहीं बता रहा हूँ। इसका हिस्ट्री अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार अगर कभी मैं आऊँ यहाँ पे तो इससे अच्छे से वीडियो बनाऊँ यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर सीढ़ी दिखाई देने लगे, जब पानी का बहाव कम जाए तब। तो कैसा लगा आपको यहाँ कष्टहरणी घाट का ये नज़ारा आपको दिखाया है? अगर कुछ भूल चूक हो गई होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बार अगर कभी मैं मौका मिला हो यहाँ पे मुंगेर आने का तो इसके जरूर शामिल करूँगा, अच्छे से आपको दिखाऊँगा और अच्छे से मुंगेर पूरा घुमाऊँगा। ठीक है, और एक ही दिन का वक्त है जिसके कारण मैं सही से नहीं आपको घुमा पाया पूरा, और काफ़ी बंद भी है जगह जिसके कारण सही से मैं भी नहीं घूम पाया। ठीक है, और फिर मिलते हैं नए से जगह पर। बाय, खुदा हाफिज़।